हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे पास एक सैमसंग का टीवी आया है। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि इसका जो पिक्चर है वो साइड हो गया है। तो चलिए पहले आपको पावर देके दिखाते हैं। ये हमने पावर दे दिया है, अभी पिक्चर आएगी, देखना पिक्चर साइड हो गया है। तो दोस्तों, ये रहा, पिक्चर साइड हो गया है। तो इसे कैसे आप लोग ठीक कर सकते हो ये हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए पहले पावर को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद टीवी को खोलते हैं। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम AFC का प्रॉब्लम है। तो पहले तो हम देखेंगे कि सर्किट के अंदर कौन सी पार्ट्स जल गया है। पहले तो आप सब लोग देख सकते हो कि BUK के पास दो PF है, वो जल गया है। और ये रहा एक रेजिस्टेंस जल गया है। तो पहले तो दोस्तों, जो कुछ भी जल गया है उसे हम लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे और क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि टीवी में, किसी भी टीवी में AFC का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग एक काम करना, AFC का पिन में जितनी भी पार्ट्स है उसे आप लोग चेंज कर देना। ये वाला भी रेजिस्टेंस आप लोगों को चेंज करना होगा। तो चलिए पहले तो हम लोग चेंज करके दिखाते हैं। चलिए, तो पहले सारे पार्ट्स को हम लोग निकाल लेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, आप सब लोग देख सकते हो कि ये पार्ट्स और ये पार्ट्स, ये दोनों बर्न नहीं हुआ है, मतलब नहीं जला है, और ये दोनों जल गया है। तो आप क्या करना कि बोर्ड के वहाँ, तो दोस्तों BUK के पास दो PF था, एक PF आप सब लोग देख सकते हो। हाँ, ये PF AFC का जो पॉइंट है, उस सभी पार्ट्स को आप लोगों को चेंज कर देना है। और जो दोस्तों, और एक जो PF है माइनस के साथ, उसे आप लोगों को चेंज करने से भी होगा, नहीं करने से भी होगा, कोई बात नहीं। और एक बात दोस्तों, ये जो दो पार्ट्स है जो नहीं जला है, इसे भी आप लोगों को चेंज कर देना है। आप लोग देख सकते हो कि पार्ट्स क्या है। चलिए दोस्तों, सब कुछ निकालना हो गया है, अभी हम इसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों, जो सारे जले हुए पार्ट्स थे उसको हमने नया निकाल लिया है, इसीलिए वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो आप लोग PF को देख सकते हो, PF का
मान है छोड़िए बता देता हूँ, इसका मान है 681K। और अभी हम पीएफ को देखेंगे, इस पीएफ को हाँ इतना छोटा है, कैमरा में भी नहीं आ रही है, आप लोग देख सकते हो 472J 400 वोल्ट। चलिए अभी जीनर को देखते हैं, जीनर हमारा है 6.2 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमारा है 15K। आप लोग रेजिस्टेंस की कलर भी देख सकते हो कितना है, ठीक है। अभी चलिए फटाक से सब कुछ लगा देते हैं, वीडियो को पॉज करके सब कुछ लगा देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए वर्टिकल के पास लगेगा जिनर, आप सब लोग जगह को देख लीजिए, ये रहा दोस्तों, आप लोग जगह को देख सकते हो। तो अभी चलिए रेजिस्टेंस को लगाते हैं, ये रहा, यहाँ पे लगाने हैं आपको। तो दोस्तों आप सब लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन सी पार्ट्स कहाँ कहाँ है। तो पहले तो आपको बता देता है, ये 681K पीएफ, और ये आप लोगों को बताया था 472 पीएफ, और यहाँ पे 15K रेजिस्टेंस, और वर्टिकल का नीचे यहाँ पे होगा 6.2 जिनर। तो चलिए इसे अभी सोल्ड करते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और तो दोस्तों इसी रेजिस्टेंस के साथ आप लोग देख सकते हो ये जल गया है, तो इसे वायर से करना होगा। तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर में आते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों आप सब लोग देख सकते हो कि सब कुछ लगाने के बाद हमने वॉश कर दिया है। तो चलिए अभी पावर देंगे, पावर देके आप लोगों को दिखाएंगे कि ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी हम पावर देंगे, पावर देके देखेंगे। तो चलिए
पावर देते हैं। ये हमने पावर दे दिया है, अब स्टैंड बाय ऑटोमेटिकली ऑन होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि प्रॉब्लम हमारा जो कुछ भी था वो सही हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।